हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर शगुफी। माय नेम इज शगुफी अंजुम। जावा न्यू फीचर्स यूनिट 3 ओप्स विद जावा, सो लेट्स स्टार्टेड। तो आज के जो सेशन में हम कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है। फंक्शनल इंटरफेस को आज हम देखेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन को देखेंगे, मैथड रेफरेंस, स्ट्रीम एपीआई, डिफॉल्ट मैथड, स्टैटिक मैथड, बेस 64 इनकोड, डिकोड्स एंड फॉर ईच मैथड्स, लेट स्टार्टेड। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शनल इंटरफेस को समझते हैं। तो फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है? फंक्शनल इंटरफेस जहाँ पे हमारे पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मैथड होने वाला है उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस तो जिसके अंदर हमारे पास एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा और कई सारी हम डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स को क्रिएट कर सकते हैं, कई सारे डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड को क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल इंटरफेस। बट कैन कंटेन ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आप ऐसा बोल सकते हैं फंक्शनल इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, इसको ऐसा बोला जाता है कि इज ऑल्सो नोन एज सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको हम SAM भी बोलते हैं। ये एक नया फीचर है हमारा जावा का जो कि हमें हेल्प करता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग की अप्रोचेस को अचीव करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस। तो चलिए इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे हम fi12.java एक प्रोग्राम बना लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे जल्दी से हम इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस बनाने के लिए हम यूज करेंगे इंटरफेस कीवर्ड का। इंटरफेस कीवर्ड के बाद हमने इंटरफेस का नाम हमने ऑपरेशन रखा है, तो ऑपरेशन के नाम से एक इंटरफेस बना लिया। अब इसके अंदर हम कई सारे मेथड्स को बनाने वाले हैं। देखिए सबसे पहला जो मेथड बन रहा है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो हमने इसके अंदर जैसे मान लीजिए एक मैसेज जो है वो पास कर रहा है, तो ये हमने कुछ, या हम इसे सिंपल रखते हैं इसको, तो ये हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया। अब देखिए हम इसको इसमें एक नोटेशन लगा देते हैं जो कि हमारी क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए, क्योंकि अभी हमने आपको पढ़ाया कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड आता है, चलिए एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई एरर आएगी इसके अंदर। कॉपी करते हैं इसको, हम पेस्ट कर देते हैं। इससे पहले हम इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या कोई एरर आ रही है। तो देखिए जैसे ही हमने इसको कंपाइल किया तो यहाँ पे, अच्छा मेन मेथड मिसिंग है तो यहाँ मेन मेथड लगा देते हैं। तो जैसे ही हमने इसको कंपाइल किया तो यहाँ पे देखिए आप, कोई एरर नहीं आई है, ये जो प्रोग्राम है वो हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं इसी के अंदर। तो हमने जैसे ही दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया तो देखिए यहाँ इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस, और यहाँ पे तो इसने एरर थ्रो ही करी, जैसे ही रन करेंगे तो ये यहाँ पे दिखा भी देगा कि फंक्शनल इंटरफेस ऑपरेशन इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस, मल्टीपल नॉन ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड फाउंड इन इंटरफेस ऑपरेशन। तो ये कुछ एरर हमें थ्रो कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, तो इस मेथड को हम हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं जिसका नाम है calc1, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंट ए कॉमा इंट बी दो। चलिए अब हम देखिए एक मेथड बना लिया हमने एब्स्ट्रैक्ट। अब इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम कैसे यूज करते हैं, देखिए क्लास, क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, एक क्लास बना रहे हैं, मान लीजिए एक क्लास है अमित के नाम से जिसमें हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं इंटरफेस को। तो इंटरफेस का क्या नाम है, ऑपरेशन, तो हमने इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे करवा दिया। अब इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास के अंदर हम इस मेथड को ओवरराइड करने वाले हैं। तो हम मेथड को ओवरराइड कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ ले लिया पब्लिक वॉइड calc1 int a comma int b, तो हमने ये मेथड को क्या करा, ओवरराइड करवा दिया, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू को पास कर देते हैं। तो हमने यहाँ जैसे लिखा सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन लिखा, और यहाँ पे हमने लिख दिया एड, और एड लिखने के बाद हमने यहाँ पे ए प्लस बी परफॉर्म कर दिए। नाउ तो ये हमारा एक मेथड बन गया है, ओके यहाँ पब्लिक। देन इसी तरह से हम एक और मेथड को बनाते हैं, कॉपी करते हैं इसको, और हमने एक और क्लास बनाई उसके अंदर भी मेथड बना लिया। अब हम अमित को हम कर देते हैं अनिल, तो ठीक है, तो यहाँ पे दो मेथड बन गए हैं, एक जो है दो क्लास बनी है और एक क्लास के अंदर हमने मेथड को ओवरराइड किया, दूसरी क्लास के अंदर भी हमने मेथड को ओवरराइड किया। चलिए हम इसके ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके ऑब्जेक्ट को बनाया अनिल, ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, एंड दूसरा जो है हमारे पास क्या था, अमित। तो ये देखिए ये दोनों हमने क्या करा, क्लास के ऑब्जेक्ट को बना लिया। अब हम क्या करते हैं, मेथड को कॉल कर देते हैं। तो हमने पहला मेथड जो है अनिल डॉट
कैल्क, इसको कॉल कर दिया। तो यहाँ पे हम नंबर्स को अपडेट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 10, 20 हमने यहाँ पे पास कर दिया। इसी तरह से जो अमित है ये हमने पास कर दिया, अब हम अमित वाले में भी पास कर देते हैं। तो अमित डॉट कैल्क 1, यहाँ पे हमने 100 दिया है और 23 दिया है। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे ये चीजें पास कर दी। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये एक फंक्शनल इंटरफेस है, जो कि अगर हम इसको रन करवाएंगे तो कुछ इस तरह से देखिए इसने आउटपुट मुझे प्रोवाइड कर दिया। नाउ अब ये देखिए, ये तो हमारा फंक्शनल इंटरफेस था, सिंपली ये रन हो गया। अब देखिए हम क्या कह रहे थे कि इसके अंदर आप बहुत सारे डिफॉल्ट मेथड भी बना सकते हो और कई सारे स्टैटिक मेथड्स भी बना सकते हो। तो चलिए इस फंक्शनल इंटरफेस के अंदर हम जब डिफॉल्ट मेथड को बनाएंगे, तो देखिए जैसे हमने डिफॉल्ट लिखा, डिफॉल्ट वॉइड, एक इन्फो नाम से हम एक डिफॉल्ट मेथड को बना ले रहे हैं। अब देखिए डिफॉल्ट मेथड में यहाँ पे आप बात समझिएगा, तो जो डिफॉल्ट मेथड होता है उसको चाहे तो क्लास ओवरराइड करे चाहे ना करे, ठीक है। अगर देखिए क्लास जो है इस मेथड को ओवरराइड नहीं करती है, तो जो भी इस मेथड के अंदर लिखा होता है वही हमारा प्रिंट होके आ जाता है। समझ में आई बात? तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा कि डेवलपर इंफॉर्मेशन, तो यही हमारा प्रिंट हो जाएगा अगर हमारी ही जैसे अमित और अनिल इन दोनों ने ही इस मेथड को ओवरराइड नहीं किया है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा अनिल डॉट इन्फो, तो होगा क्या, अनिल डॉट इन्फो जैसे ही हमने लिखा या हम अमित डॉट इन्फो भी लिखेंगे तो क्या होगा, यही वाला जो मेथड है ये हमारा कॉल हो जाएगा जो कि इंटरफेस में लिखा गया है। तो देखिए यहाँ हमने इन दोनों को जब लिखा, तो देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, तो देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे डेवलपर इंफॉर्मेशन और डेवलपर इंफॉर्मेशन दोनों में यही चीज आ रही है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम इस मेथड को ओवरराइड करते हैं। देखिए ये जो डिफॉल्ट मेथड होते हैं, तो डिफॉल्ट मेथड ये कहते हैं कि अगर आप इनको ओवरराइड करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो ना करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम इस मेथड को ओवरराइड करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने कॉपी कर लिया इसी को ही और हमने यहाँ पे पेस्ट किया और ये हम पब्लिक कर देते हैं। देखिए पब्लिक कर लिया और यहाँ पे हम करते हैं डेवलप बाय अमित। तो देखिए अब हमने क्या करा, हमने अमित वाले में इन्फो को ओवरराइड कर दिया। तो देखिए होगा क्या, जो अमित वाला है उसके अंदर जब हम इसको रन करवाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ अनिल ही लिख दिया था अमित, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने अमित को लिखा, तो अब हम जब इसको कंपाइल करेंगे तो देखिए यहाँ पे होगा क्या कि देखिए यहाँ क्या लिख के आ रहा है, डेवलप बाय अमित डेवलप इंफॉर्मेशन। तो डेवलपर इंफॉर्मेशन किसमें लिख के आ रहा है, डेवलपर इंफॉर्मेशन लिख के आ रहा है जिसमें हमने ओवरराइट नहीं किया था मेथड। तो ओवरराइट हमने किसमें मेथड नहीं किया था, अनिल वाले में। तो देखिए अनिल वाले में वो पुराना जो हमारा इंटरफेस वाला मेथड था उसी को ही डिफॉल्ट वाले को कॉल कर रहा है। अब देखिए स्टैटिक का क्या मतलब है, तो स्टैटिक का यहाँ पे बेसिक सा ये मतलब है कि जब हम स्टैटिक लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे स्टैटिक लिखा, देखिए ये सब जो वर्जन्स हैं ये हमारे जावा 8 में हैं, ठीक है। इससे पहले जो हम यूज करते थे उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं मिल रही थी। वहां पे क्या था कि जब इंटरफेस हम बना रहे थे तो केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही हम बना पा रहे थे, ठीक है। और फंक्शनल इंटरफेस के अंदर क्या हुआ कि हम एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बना पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिया स्टैटिक वॉइड कॉपीराइट, ठीक है। मान लीजिए हम एक कॉपीराइट नाम का यहाँ पे हम मेथड बना रहे हैं और इसमें हमने ले लिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन और इसके अंदर हमने एक मैसेज कर दिया टाइप ऑल राइट्स आर रिजर्व। ये क्या होगा, देखिए ये जो है आपको ओवरराइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है स्टैटिक वाला, इसको अगर हमें कॉल करना है तो बस हम सिंपली यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटरफेस का नाम लिखेंगे। तो इंटरफेस का क्या नाम था, ऑपरेशन, ऑपरेशन डॉट कॉपी राइट। तो ये जब हम लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक इंटरफेस से ही उठ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए आप ये देखिए लिख के आ रहा ऑल राइट्स आर रिजर्व। तो स्टैटिक जो होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब स्टैटिक कीवर्ड का अगर हम यूज कर रहे हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो चीजें हमें फिक्स रखनी है, हर एक के लिए रखनी है, मतलब हर एक क्लास के लिए वो फिक्स रहने वाली है, तो वो चीजें जो है वो स्टैटिक्स में हम डिक्लेयर कर सकते हैं। डिफॉल्ट के अंदर क्या है कि अगर आप चाहें तो उसको चेंज करें, अगर आप ना चाहें तो वो एज इट इज जो हमारा इंटरफेस में पड़ा होगा उसी को ही वो ले लेगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, देखिए हमने इंटरफेस के अंदर कई सारी चीजें सीख ली। इंटरफेस के अंदर हमने यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस के अंदर हमने ये तो देखा एब्स्ट्रैक्ट को और हमने साथ में डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड को भी देखा। देखिए ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, एक मिनट हम इसकी बात करेंगे अभी। तो ये देखिए
हमारे पास जो स्टैटिक मेथड था यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, और जो प्रोग्राम हमने समझाया है आपको, ये प्रोग्राम हमारा इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा आपको, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो स्टार्ट डिफॉल्ट मेथड था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंटिल 1.7 ओनली पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट मेथड विल अलाउड वेदर्स वी डिक्लेयर्स राइटिंग और नॉट, सिमिलरली पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स वर अलाउड, एंड सिंस 8 के अंदर क्या हुआ, कॉन्क्रीट मेथड भी अलाउ कर दिए गए जो कि डिफॉल्ट कॉन्क्रीट मेथड्स हैं हमारे, ठीक है। इसका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और यही हमने प्रोग्राम समझाया। आप देखिए स्टैटिक मेथड्स क्या है, द आइडिया बिहाइंड स्टैटिक इंटरफेस मेथड्स इज टू प्रोवाइड अ सिंपल मैकेनिज्म दैट्स अलाउ अस टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कोहेशन। तो ये एक तरह की डिग्री को इंक्रीज कर देता है कोहेशन की ऑफ अ डिजाइनिंग बाय पुटिंग्स टुगेदर्स रिलेटेड मेथड्स इज वन सिंगल प्लेस विदाउट हैविंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। इसका कोई ऑब्जेक्ट भी आपको नहीं बनाना है, बस एक एक जगह सिंपली आपने इसको क्रिएट कर दिया, और जहां जहां इम्प्लीमेंटेशन यूज हुआ होगा वहां वहां पे ये ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम है जो कि आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक हम अभी ऐड कर देंगे इसका। तो चलिए अब हम देखते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, चलिए इसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन जो है एक स्मार्ट वे है हमारे प्रोग्राम को लिखने का, ठीक है, जहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो लैम्डा एक्सप्रेशन है उसको हम ये बोलेंगे इज एन एनोनिमस फंक्शन, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसका कोई नाम नहीं है। और अगर हम लैम्डा एक्सप्रेशन को लिख रहे होंगे तो वहां पे कोई नेम नहीं होगा, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, और कोई मॉडिफायर नहीं होगा। इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम स्टेप्स की बात करें तो रिमूव कर दीजिए मॉडिफायर को, सिंपल जो मेथड्स आपने लिखे हैं उनमें से आपको रिमूव करना है मॉडिफायर को, रिमूव करना है रिटर्न टाइप को, रिमूव करना है मेथड्स को, और प्लेस क्या करना है एरो को, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो रेड कलर से लिखा है ये सिंपल एक मेथड है, ठीक है, जो कि रेड कलर से लिखा हुआ है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लीजिए, ये जो रेड कलर से लिखा है ये एक सिंपल मेथड है। और इसमें देखिए हम क्या कह रहे थे कि आपको एक्सेस मॉडिफायर को रिमूव करना है, आपको रिटर्न टाइप को रिमूव करना है, आपको एक्सेस मॉडिफायर को रिमूव करना है, रिटर्न टाइप को रिमूव करना है, और साथ में आपको नेम को रिमूव करना है। तो देखिए ये सारी चीजें आपने रिमूव कर दी तो क्या हुआ, और आपने एक एरो को लगा दिया, तो ये हमारा क्या है, ये एक स्मार्ट वे है लैम्डा एक्सप्रेशन को लिखने के लिए, ठीक है। अभी हम इसको यूज भी करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, अभी हम इस चीज को समझेंगे भी। चलिए आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने पैरामीटर को भी पास किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पैरामीटर को आप कुछ इस तरह से लिखोगे, यहाँ पे भी एक्सेस मॉडिफायर रिटर्न टाइप एंड नेम दोनों तीन को रिमूव करोगे, एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर कि हमने क्या करा है, इसमें पैरामीटर्स को लिखा है, एरो को प्लेस किया है, और फिर यहाँ पे सिंपली सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वाली जो लाइन थी उसको प्रिंट कर दिया है। नाउ ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसके अंदर आप देख सकते हो रिटर्न टाइप भी हमने यूज किया है, तो आप लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर रिटर्न टाइप भी इस कुछ इस तरह से यूज करोगे कि आप रिटर्न भी करवा सकते हो वैल्यू। तो ये तीन तरीके थे, आप देखिए इसको और भी अच्छे से लिखा जा सकता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए देख लेते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए सबसे पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इफ अ बॉडी हैज जस्ट वन एक्सप्रेशन दैट वी कैन रिमूव कर्ली ब्रेसेस। देखिए कहने का मतलब बेसिक सा ये है कि अगर आप ये देखिए जैसे कि ये बॉडी आप देख सकते हो, इस बॉडी के अंदर एक ही आपने लाइन लिखी है तो आप इस कर्ली ब्रेसेस को रिमूव कर सकते हो, तो आप इस कर्ली ब्रेसेस को रिमूव कर सकते हो। चलिए तो यहाँ पे यही चीज देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में डाली है। अब यहाँ पे देखिए ये जो फॉर एग्जांपल हमने लिखा है, देखिए कर्ली ब्रेसेस को रिमूव करके इसमें दिखाया है। अब नेक्स्ट आते हैं यूज टाइप इंटरफेरेंस, तो आप इसमें टाइप इंटरफेरेंस का भी जो यूज करते हो कंपाइलर जो है वो उसको ऑटोमेटिकली गेस कर लेता है, तो यहाँ पे जो इंट ए इंट बी लिख रहे हो तो ये हमारा जो टाइप है उसको बताने की जरूरत नहीं है, कंपाइलर जो है जब रन टाइम जो है वो खुद ही गेस कर लेगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से कुछ लिख सकते हो उसको, और कोई रिटर्न टाइप लगाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो रिटर्न टाइप आप यूज कर रहे हो, तो ये रिटर्न टाइप भी आप रिमूव कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली जो है उसके लिए अंडरस्टूड है। तो देख रहे हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करने से हमारा जो प्रोग्राम है वो कितना सिंपल हो गया है, ठीक है, और कितना स्मार्ट वे में काम कर रहा है। इफ ओनली वन पैरामीटर, इसके अंदर अगर आपके पास केवल एक पैरामीटर है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्ट्रिंग आपने लिखी है, स्ट्रिंग एरो स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ये कुछ आपने इस तरह से जो लिखा है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये एक एक्सप्रेशन है, तो ये जो एक एक्सप्रेशन है इसको भी आप रिमूव कर सकते हो, इसके ब्रैकेट को भी आप रिमूव कर सकते हो। तो देखिए जब रिमूव कर रहे हो तो कुछ इस तरह से आपका ये बन गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया।
एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिट ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। तो बेनिफिट्स क्या हैं इसके, देखिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन जावा आप इनेबल कर सकते हो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जावा को, ठीक है। जावा की फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आप लैम्डा एक्सप्रेशन को इनेबल कर सकते हो टू मेक कोड्स मोर रीडेबल। इसको यूज करके कोड को बहुत अच्छा रीडेबल फॉर्म और कंसाइज फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो, पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हो। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है ये अभी हम देखेंगे, अभी इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। साइज रिड्यूस हो जाएगा उसका, देखिए जब लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करोगे आपने देखा कितने बेहतरीन तरीके से इसने जो कोड है उसको बहुत कॉन्साइज फॉर्म में लिख दिया, तो कहीं ना कहीं जो साइज है उसका वो भी बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। एलिमिनेशन ऑफ शेडो वेरिएबल, और हम शेडो वेरिएबल को भी एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है छोटा सा जिसको हम बाई यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन भी देखेंगे और विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को, बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं lb.java, तो यहाँ पे हमने ले लिया lb.java। आप यहाँ पे देखिए हम इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक मेथड बना लेते हैं प्राइवेट नाम का, या एक काम करते हैं हम इस प्रोग्राम को जब बना रहे हैं तो हम बाय यूजिंग इंटरफेस ही बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक इंटरफेस का यूज करते हैं, इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम हम रखते हैं lb1, ठीक है। इस एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बना देते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं जैसे कि हमने एक मैसेज को पास करते हैं। तो यहाँ पे हम void message, तो हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे बना लिया है। अब हम क्या करते हैं एक क्लास, बाई नॉर्मल अगर हम बना रहे हैं तो क्या करेंगे इस मेथड को एक्सेस करने के लिए हम एक क्लास बनाएंगे। जैसे हमने एक क्लास का नाम रखा है AQ, AQ इस क्लास का नाम रखा है, और यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करवा दिया है। किसको इम्प्लीमेंट करवा दिया है, यही lb1 इंटरफेस को। नाउ अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे इस मेथड को ओवरराइड करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक मैसेज, और यहाँ पे हमने कर दिया यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज पास कर देते हैं। तो सिंपल सा हमने एक मैसेज पास कर दिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो वेलकम टू माई चैनल नाउ, ठीक है। तो ये हमने इतना काम कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करते थे सिंपल, अगर हम इस चीज को यूज करते थे तो हम सबसे पहले इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते थे। तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने बना लिया, और फिर हमने क्या करा, फिर ऑब्जेक्ट की मदद से हमने क्या करा obj.msg, तो इस मैसेज को हमने कॉल कर दिया। तो यही सिंपल तरीका था अगर हम लैम्डा का नहीं यूज कर रहे हैं। व्हाट हैपेंड, सॉरी मैंने मेन इसीलिए एरर आई है। चलिए मेन मेथड के अंदर लिखा एंड देन इसको जैसे ही हमने कंपाइल किया तो ये देखिए सिंपल ये रन हो गया। अब देखिए क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन हमारा क्या है कॉन्साइज फॉर्म में हमें डेटा दे देता है, और एनोनिमस एक तरह की क्लास है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है, हटा दिया इसको। अब हम जब लैम्डा एक्सप्रेशन बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से लिया, देखिए हम क्या करते हैं एक्सेस मॉडिफायर ये सारी चीजें हटा देते हैं। फिर हटाने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे हमने ये लिखा, और फिर इसके बाद सिंपली इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिंपली सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वाली लाइन लिख देंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया कंप्यूटर शगुफी, एंड नाउ ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम इंटरफेस लिखेंगे बिकॉज हम ये इस क्लास को पूरी तरह से हटा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये जो क्लास है लैम्डा फंक्शन में नहीं यूज होती, बिकॉज लैम्डा जो है वो कहता है कि मैं एनोनिमस क्लास हूँ। तो lb1 आप लिख दीजिए यहाँ पे, एंड देन देखिए ये हमारा, देखिए अभी तक के जो हमने सिंपल वे से किया था तो हमें क्लास बनानी पड़ी थी, इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता था, इस बहुत सारा वर्क जो था वो हो रहा था इसके अंदर। लेकिन जब हमने लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज किया तो हमारा एक लाइन में ही प्रोग्राम जो है वो देखिए रन हो गया। अब देखिए इसकी और भी खूबसूरती हमने बताई थी कि हम अगर सिंगल लाइन है तो हम इसको ये भी हटा सकते हैं। तो जब हमने इसका ये हटा दिया तो देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है वो भी बिल्कुल चल रहा है बढ़िया तरीके से। तो कुछ इस तरह से हम काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए एक लाइन के अंदर ही हमने अपना पूरा मेथड लिख दिया बाय यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। तो ये था हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन। चलिए आते हैं, अब देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन को आप थ्रेड्स के मदद से भी कर सकते हो। देखिए बाय यूजिंग थ्रेड लैम्डा एक्सप्रेशन भी हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो देखिए अगर हम बात करें, देखिए
अगर आप थ्रेड यूज कर रहे थे तो थ्रेड में क्या हो रहा था, जब रेनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो रेनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के से पहले आपको एक इंटरफेस बनाना पड़ा था, क्लास बनानी पड़ रही थी, क्लास के अंदर जब टास्क कर रहे थे तो इंप्लीमेंट करना पड़ रहा था रेनेबल। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, रन को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, मेथड का नाम कुछ भी नहीं होता तुमने नहीं दिया है, और फिर हमने उसके टास्क को यहाँ पे लिख दिया। और टास्क को लिखने के बाद क्या करा है, यहाँ पे चाइल्ड थ्रेड हमने बनाया, तो थ्रेड जो क्लास है उसको हमने एक्सेस किया, रनेबल मेथड को यहाँ पे लिख दिया, और हुआ क्या, यहाँ पे चाइल्ड थ्रेड डॉट रन जब किया तो हमारा जो थ्रेड है उसके अंदर रन मेथड है, उससे क्या हुआ, ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम था हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये प्रोग्राम बहुत लेंदी बना था, और अब हम बाय यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन इस प्रोग्राम को देखिए कितना छोटा और कितना कॉन्साइज फॉर्म में यहाँ पे हो पा रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मेथड रेफरेंस इन जावा। तो मेथड रेफरेंस क्या है हमारे जावा के अंदर, तो मेथड रेफरेंस क्या है, इज यूज टू रेफर्स मेथड्स फॉर फंक्शनल इंटरफेस। मेथड रेफर्स कैन बी यूज टू सिंप्लीफाई द कोड्स एंड मेक इट्स मोर रीडेबल। मेथड रेफरेंस प्रोवाइड शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर लैम्डा एक्सप्रेशन दैट ओनली कैन अ सिंगल मेथड। चलिए इस क्या बोलते हैं, ये जो लाइंस लिखी हैं इनको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझेंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम एक और फंक्शनल इंटरफेस बनाते हैं, तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ, और हम यहाँ पे एक ऑपरेशन नाम से, या हम ओपी नाम से, ओपी डॉट जावा इस नाम से हमने एक फाइल क्लास को क्रिएट कर लिया। अब हम एक क्लास को जब हमने क्रिएट करा तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इंटरफेस को बनाते हैं। तो हमने एक इंटरफेस बना लिया, इंटरफेस, इंटरफेस का भी नाम हमने रखा है ओपी वन। ठीक है, एंड देन देखिए ओपी वन, अब यहाँ पे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेना है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने बनाया इंट कैल्क। तो यहाँ पे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया जिसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए, जब हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बना लिया, अब हम क्या कह रहे हैं कि बाय यूजिंग हमने लैम्डा एक्सप्रेशन, अभी हमने देखा ये सारी चीजें, तो लैम्डा एक्सप्रेशन हम कैसे करेंगे ये सारी चीजें। तो देखिए सबसे पहले तो हम पब्लिक स्टैटिक मेन वगैरह लिखते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं ओपी वन, जैसे कि अभी हमने बताया आपको, अभी अभी हमने ये चीज डिस्कस करी है ओपी वन, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे अभी जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने कोई पैरामीटर नहीं पास किया था, इसमें देखिए हमने ए और बी को पास किया है। ठीक है, बाई यूजिंग एरो हम क्या करते हैं इसके अंदर लाइन्स लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक, तो ये हमने लिख लिया, और अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। तो देखिए ये हो गया, अब इसके बाद हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वाली लाइन लिखते हैं और उसके अंदर मेथड को कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एडिशन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करा, ओ पी जे डॉट एल। तो ये कुछ हमारा इंटरफेस था जिसको हमने बना लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखिए ये रन हो गया। तो ये हमारा इंटरफेस था जिसको हमने लैम्डा फंक्शन की मदद से यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे दो पैरामीटर को पास किया। अब हमने एक चीज आपको बताई थी, अगर आप रिटर्न ना लिखना चाहो तो ना लिखो, क्योंकि इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये अगर हमने नहीं लिखा, अच्छा हाँ, हम जब ये इसको नहीं लिखेंगे तो हम ये भी हटा सकते हैं। तो ये देखिए क्या खूबसूरती है इसकी, कि एक लाइन में प्रोग्राम हमारा बन गया। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा रन हो गया है एड। ठीक है, तो एक लाइन में ही हमारा ये पूरा प्रोग्राम बन गया। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, बाय यूजिंग स्टैटिक मेथड देखते हैं। तो स्टैटिक मेथड की जो लाइंस हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, मेथड रेफरेंस को हम तीन तरह से अचीव कर सकते हैं, पहला है स्टैटिक रेफरेंस, दूसरा है नॉन स्टैटिक रेफरेंस जिसको हम इंस्टांस मेथड भी बोलते हैं, और जो चौथा है वो है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे के सारे रेफरेंस को सीखने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, स्टैटिक रेफरेंस, दूसरा क्या है नॉन स्टैटिक रेफरेंस, तीसरा क्या है कंस्ट्रक्टर रेफरेंस। तो चलिए स्टैटिक रेफरेंस क्या होता है, तो स्टैटिक रेफरेंस डिफाइंस इन द क्लास, जिसको हम डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर, फॉलोइंग इन द सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्टैटिक मेथड्स एंड एग्जाम्पल। देखिए अब इसका सिंटैक्स बहुत ध्यान से समझिएगा, तो सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं, और ये जो हमारा है ये है रेफरेंस ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर, एंड देन हम क्या लिख रहे हैं, स्टैटिक मेथड नेम को लिख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एक क्लास बना लेते हैं, जल्दी से आते हैं। तो देखिए अभी तक के अगर हम इसमें बात करें, ये इंटरफेस की बात करें, तो यहाँ पे यूजर जो है केवल ऐड को परफॉर्म करवा पा रहा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग मेथड रेफरेंस ऐड भी कर पाए यूजर, सब्ट्रैक्ट भी कर पाए, सब कुछ मतलब एक ही प्रोग्राम के अंदर हम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम रखते हैं सी ए एल।
ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस मेथड को ओवरराइड करने वाले हैं। तो हम इस मेथड को लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। और हाँ, इसको हम इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। नहीं ठीक है, हाँ हमने इस मेथड को ओवरराइड करना है। तो अब हम देखें, हम इस मेथड को यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न ए प्लस बी। तो इसी तरह से देखिए, हमने एक क्लास बना ली जिसके अंदर हमने ए प्लस बी किया, मतलब एक मेथड बना लिया जिसके अंदर हमने ए प्लस बी किया। अब हम कह रहे हैं नहीं भाई, मुझे एक और मेथड चाहिए। देखिए अब हमने यहाँ पे इसका नाम ही चेंज कर दिया है, ठीक है। इसका जो नेम है वो कैल्क से हटा के हमने क्या करा है, ऐड कर दिया है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो क्लास है उसका नेम और इसका नेम, दोनों का नेम सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस है वो हम कुछ इस तरह से लेंगे, ठीक है। मेथड का जो रेफरेंस है, क्लास का जो नेम है, उसको हमें सेम रखना है। चलिए इस मेथड को हम करते हैं कॉपी। एंड देन हम चलते हैं इसमें, ऐड हटा के सब्ट्रैक्ट करते हैं या माइनस लगा देते हैं। इसी तरह से हम दोबारा एक बार और कर लेते हैं उसको पेस्ट, मल्टीप्लाई, और फिर हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, तीन तीन मेथड्स को बना लिया है एक क्लास के अंदर। और वो जो क्लास है उसका जो नाम है वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड के नाम को मैंने वहां पे लिखा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इनके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैल्क का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एक मिनट, में स्टैटिक कीवर्ड को आपको बता रही थी और मैंने स्टैटिक ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। तो यहाँ सब में पहले तो हम इम्प्लीमेंट कर दें, ये हमारा स्टैटिक मेथड है। चलिए अब हमने इसको कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे इंटरफेस का क्या नाम था, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, OP1। तो OP1 यहाँ पे हमने लिखा और फिर हमने OBJ इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कैल्क। और जैसे ही हमने यहाँ पे कैल्क लिखा, अब बाय यूजिंग रेफरेंस ऑपरेटर हम क्या करेंगे, हम इसमें जितने भी मेथड बने, ऐड बनाए, सब्ट्रैक्ट बनाए, मल्टीप्लाई बनाए, देखिए हमने क्या करा, अभी तक के हमने एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाया और उस अब्स्ट्रैक्ट मेथड की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वो किससे कर पा रहे हैं, बाय यूजिंग रेफरेंस ऑपरेटर और बाय यूजिंग मेथड रेफरेंस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने बना लिया है, इसमें हम इसको प्रिंट करवाते हैं। और यहाँ पे हम मान लीजिए एड अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने एड लिख दिया एड प्लस OBJ.CALC 10,20। ठीक है, तो जो स्टैटिक आप यूज करोगे वो आप इस मेथड में यूज करोगे, ना कि यहाँ पे भी, ठीक है, ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। चलिए अब देखिए जैसे ही हमने इसको कंपाइल करवाया, तो देखिए यहाँ पे कंपाइल होके आया 30। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी हमने ऐड करवाया, अब हम चाहते तो सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते, लेकिन जब हमने केवल क्या यूज किया था, केवल इंटरफेस यूज किया था, केवल फंक्शनल इंटरफेस यूज किया था, तो हम एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म कर पा रहे थे। लेकिन बाय यूजिंग मेथड रेफरेंस, यूजिंग स्टैटिक मेथड, हम क्या कर पा रहे हैं, हम देखिए सब्ट्रैक्ट भी करवा पा रहे हैं इसी में। मतलब एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड से हम कई सारे काम ले पा रहे हैं, तो ये इसकी खूबसूरती है। समझ में आई मेरी बात। चलिए अब देखिए हम नॉन स्टैटिक मेथड का अगर यूज करें तो क्या करेंगे, तो हम क्या, स्टैटिक मेथड को हटा दीजिए अब यहाँ से। जैसे ही हमने स्टैटिक मेथड्स को हटा दिए, अब देखिए बस यहाँ पे एक एरर आने लगी। तो ये एरर क्यों आ रही है, अब यहाँ पे ये बात मेरी समझिएगा, ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि जब भी हम स्टैटिक मेथड को बनाते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड को जब भी हम बनाते हैं, तो वहां पे हमको क्या करना होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो हम क्लास को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और क्लास के ऑब्जेक्ट को जब हम बना लेंगे, तो देखिए उसको हम कैसे एक्सेस करवाएंगे। तो हमने जैसे क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे इंटरफेस हमारा बन गया, बस हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, बस हमको क्या करना है, ये जो क्लास OBJ बनाया था आपने, OBJC, तो बस इसको यहाँ पे पास कर दीजिए, बस हो गया। तो ये हमारा देखिए नॉन स्टैटिक मेथड हो गया, और इसमें भी देखिए सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है। अब हम चाहते हैं मल्टीप्लाई करवा दें, तो मल्टीप्लाई करवा सकते हो, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लिख दिया। तो देखिए एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड से हम कई सारे काम ले पा रहे हैं, तो ये किसकी मदद से होता है, ये होता है हमारा मेथड रेफरेंस की मदद से। और मेथड रेफरेंस जो है तीन टाइप के होते हैं, वो सबसे पहला क्या है, स्टैटिक, दूसरा है नॉन स्टैटिक, एंड थर्ड है कंस्ट्रक्टर। तो चलिए हमने दो मेथड को देख लिया है, अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्टर की तरफ। तो कंस्ट्रक्टर मेथड क्या है, तो देखिए इसके अंदर जब हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, तो एक चीज और समझ लीजिए आप, ये हमने प्रोग्राम आपको समझा दिया। देखिए ये वाला जो है, लाइक स्टैटिक मेथड्स यू कैन ऑल्सो रिफर्स इंस्टेंट
मेथड्स ऑल्सो इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेफरेंसिंग द इंस्टेंट मेथड। सिंटैक्स इसकी बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑब्जेक्ट फिर मेथड नेम, तो वही सेम चीज है। उसमें क्या था, कंटेनिंग क्लास था। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट अभी हमने बनाया था, देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमने क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, तो देखिए उस ऑब्जेक्ट को रखा है फिर मल, यहाँ रखा मल क्या है, ये हमारा मेथड का नेम है। हाँ, और जबकि हमारा जब हम स्टैटिक को यूज कर रहे थे तो यहाँ पे कंटेनिंग क्लास था, तो कंटेनिंग क्लास में देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए ये जो था देखिए क्लास का नाम कैल्क 1, तो ये कैल्क 1 जो क्लास का नाम था वही हमने यहाँ रखा है। ठीक है, सिंटैक्स अगर आपको आ गए तो बहुत बड़ा टास्क नहीं होता ये सब चीजें सीखने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हम सिंटैक्स का यूज करेंगे तो क्लास नेम ऑपरेटर फिर न्यू लगाएंगे आप, ठीक है, रेफरेंस ऑपरेटर और न्यू, तो कुछ इस तरह से आप यूज करोगे इसको, तो न्यू कीवर्ड का आप यूज करोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जैसे कि एक इंटरफेस बनाया है, इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग वाला इंटरफेस बनाया है, और फिर हमने क्या करा है, पब्लिक इन्फो स्ट्रिंग एस लिया है। देखिए यहाँ पे इन्फो ये जो क्लास है, क्लास को हमने यहाँ पे देखिए आप ये सिंटैक्स जो लिखा हुआ था पीछे सिंटैक्स क्या था, क्लास नेम ऑपरेटर फिर न्यू, तो यही चीज देखिए आप यहाँ पे, क्लास नेम क्या थी, इन्फो, इन्फो के बाद क्या था ऑपरेटर, एंड देन क्या था न्यू, तो ये देखिए ये हमारा सिंटैक्स है, तो ये सिंटैक्स देख सकते हो आप यहाँ पे यूज हुआ है। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर मेथड को बना सकते हो। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करके देखना चल जाएगा, सब कंपाइल्ड है। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रीम एपीआई की। तो स्ट्रीम एपीआई क्या है, स्ट्रीम एपीआई एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, जहां पे हम बोल सकते हैं मैप इसके अंदर आ जाएंगे, हमारे पास फिल्टर्स आ जाएंगे और एरे आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, तो ये सब हमारे क्या है, ये सब है हमारे स्ट्रीम एपीआई। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करने के लिए। यू कैन यूज स्ट्रीम बाय इंपोर्टिंग, आप देखिए स्ट्रीम को आपको यूज करना है तो आपको ये इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पैकेज है इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। स्ट्रीम इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रीम क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है, इंस्टेड इट्स टेक, ये टेक है, टेक इनपुट्स फ्रॉम द कलेक्शन, तो ये केवल इनपुट लेता है कलेक्शन से और एरे से, इट्स इज द वे टू मैनिपुलेट डेटा, हम इसके द्वारा डेटा के साथ खेल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, और स्ट्रीम डोंट चेंज द ओरिजिनल डेटा, और स्ट्रीम जो है वो ओरिजिनल डेटा को नहीं चेंज करता, ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर को नहीं चेंज करता है। ठीक है, दे ओनली प्रोवाइड रिजल्ट एज पर द पाइपलाइन मेथड। अब ये पाइपलाइन मेथड क्या होता है इसको हम देखते हैं। चलिए ये एक सिंटैक्स है, अब ये सिंटैक्स भी हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से देखेंगे। और देखिए आप यहाँ पे जो स्ट्रीम एपीआई है वो दो टाइप के हैं, एक इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, एक टर्मिनेट ऑपरेशन है। तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या है, मैप फिल्टर शॉर्टेड, टर्मिनेट क्या है, कलेक्ट फॉर ईच और रिड्यूस। अब ये जो इंटरमीडिएट ऑपरेशन है ये ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं लेके आते हैं। ठीक है, रिजल्ट को अगर आपको देखना है तो आप टर्मिनेट का यूज करोगे। ठीक है, टर्मिनेट ऑपरेशन का यूज करोगे। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं बाय यूजिंग इस फर्स्ट मेथड मैप। तो यहाँ पे हम एक सबसे पहले एक map1.java, ओके वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो 12 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम इसको स्ट्रीम एपीआई को सीखते हैं। तो देखिए स्ट्रीम एपीआई क्या है, यहाँ पे हम बहुत जल्दी से एक मेन मेथड पहले को लिख लेते हैं। तो मेन मेथड को हमने लिख लिया है, यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं जो कि इंटीजर टाइप की होने वाली है। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना ली है जो कि इंटीजर टाइप की होने वाली है, तो लिस्ट का नाम हमने रखा है LST। अब इसके अंदर हमने एक एरे टाइप की लिस्ट ली है डॉट एज लिस्ट, और इसके अंदर हमने कुछ नंबर्स को पास किया है, एंड देन यहाँ पे देखिए हमने कुछ नंबर को पास किया है, एंड देन अब हमने एक जो लिस्ट ली है इसको हमने स्ट्रीम में चेंज किया है। लिस्ट जो ली है इसको हमने क्या करा है, स्ट्रीम में चेंज किया है, कन्वर्ट किया है। चलो नाउ, तो आप देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब हम मैप करने वाले हैं। अब हम मैप क्या करने वाले हैं, देखिए बाय यूजिंग मैप फंक्शन हम इसके अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि जितनी भी लिस्ट है उसको आप मल्टीप्लाई करो, मतलब एन मल्टीप्लाई बाय एन, मतलब 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कुछ इस तरह से हम इसमें ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। अब बाय यूजिंग फॉर ईच हम इसको आइटरेट करवाएंगे, मतलब कि हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग फॉर ईच। और देखिए फॉर ईच के अंदर हम लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए
हमने क्या करा है, फॉर ईच एन के अंदर जितने भी नंबर मतलब हमने स्टोर करी है लिस्ट को, और एन जो है उसको हम एक्सेस करेंगे, और ये एलन हटा देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए अगर हम इसको रन करवाते हैं तो क्या होगा कि बाय यूजिंग मैप फंक्शन हमने इसको यूज किया है, तो मैप में देखिए यहाँ पे मैन्युपुलेशन होगा डेटा में। तो देखिए 1 हुआ, 4 हुआ, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 16 का 6 हो गया, तो एक तरह से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हुआ, एक तरह से स्क्वायर परफॉर्म हो गया। चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब हम अगर ओरिजिनल लिस्ट को देखते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जब हम मैप फंक्शन जैसे हमने परफॉर्म किया या फिल्टर को यूज किया या शॉर्टेड को यूज किया, मतलब अगर हम इन तीनों को यूज कर रहे हैं, ये तीन को, तो यहाँ पे हमारी लिस्ट में कुछ चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लिस्ट को अगर हम देखें तो ओरिजिनल लिस्ट जो होगी वो वैसी की वैसी ही रहेगी। चलिए अभी हम देखते हैं, चेक करते हैं क्या ओरिजिनल लिस्ट में कुछ चेंजमेंट तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं द लिस्ट एलिमेंट इज ना, यहाँ पे हम फिर से यूज करते हैं LST, LST को देखना है हमको, लिस्ट को देखना है, फॉर ईच लगाते हैं आइट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए, एंड देन यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन को लगा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया ना, अब हम ये LN हटा देते हैं यहाँ से, इसको कंपाइल करते हैं। तो देखिए इसको जैसे ही हमने कंपाइल किया तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल लिस्ट जैसी थी हमारी वैसी ही आई है, और बाकी जो हमारी लिस्ट थी जो अपडेशन हुआ था वो किसमें अपडेशन हुआ था, वो हमारा मैप फंक्शन के द्वारा हुआ था, एन में हुआ था, तो वो ये चीज दे रहा है, ठीक है। तो मैप जो है अपडेशन तो किया लेकिन उसने ओरिजिनल लिस्ट को नहीं चेंज किया, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो स्ट्रीम API है उसका खुद का डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो चलिए अब जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको हम देखते हैं, तो जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको हम देखने वाले हैं वो है हमारा कलेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। अच्छा एक चीज और भी बता दूं, ये जो आपने जैसे ये लिखा है, जैसे लिस्ट को हमने स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, फिर मैप फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया, फिर हमने आइटरेट किया वैल्यू को, तो ये जो है ये एक साथ जो काम हो रहा है इसको हम कहते हैं पाइपलाइन प्रोसेस, ठीक है। इसको आप चाहें तो कुछ लाइन ऐसे भी करके लिख सकते हो, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड जो लग रहा था वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ये सारे प्रोग्राम हमने अवेलेबल करवा दिए हैं आपको PDF के अंदर, आप जाइए PDF को एक्सेस करिए, फर्स्टली मार्क करिए अटेंडेंस को, बिकॉज ये सब जो कंटेंट है हम आपके लिए एक ही PDF के अंदर एक ही वीडियो के अंदर लाए, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों को करने में, ठीक है। तो टीचर्स आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। चलिए अपने आप पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम बहुत अच्छे हों। चलिए अभी देखिए यहाँ पे हम क्या कलेक्ट फंक्शन मेथड को देखने वाले हैं, तो हम इस चीज को हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट कलेक्ट, तो यहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, आप कलेक्ट कर रहे हैं बाई यूजिंग कलेक्टर, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, तो लिस्ट से हम कलेक्ट कर रहे हैं डेटा को, और हम कलेक्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं उसको प्रिंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने डेटा को तो कलेक्ट कर लिया, अब हम जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं हम चाहते हैं वो दूसरे मतलब एक दूसरी लिस्ट में कलेक्ट हो, तो हम यहाँ पे लिस्ट इंटीजर SQR इक्वल्स टू, यहाँ पे जो लिस्ट डॉट स्ट्रिंग लिखा हुआ है ये हम एज इट इज लिखते हैं, हाँ, तो हमने यहाँ पे SQR फंक्शन ले लिया है, तो इसमें हम अपनी लिस्ट को देखना चाहते हैं, तो अब हम बस यहाँ पे क्या करेंगे SQR ले लेते हैं ना। अब हम इसको कंपाइल करते हैं तो देखेंगे जो कलेक्टर्स हैं उसने कलेक्ट किया है हमारा एक दूसरी लिस्ट में डेटा को, देखिए तो यहाँ देख सकते हैं आप लिस्ट इज ठीक है। एंड देन अब हम एक काम करते हैं, इसी के ही अंदर हम यहाँ पे ही फिल्टर को परफॉर्म करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम मैप फंक्शन को हटाते हैं, देखिए फिल्टर क्या करता है, मैप जो है वो पूरी लिस्ट में परफॉर्म कर रहा है डेट, ठीक है। अब फिल्टर क्या करता है कि हम जैसा यहाँ पे ऑपरेशन लिखेंगे उस हिसाब से काम करेगा, तो जैसे हमने लिखा एन मॉड टू तो इक्वस्ट इक्वस्ट 0, अगर हम ये जो लिस्ट है इसको डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद 2 से जब डिवाइड करें तो 0 जब आए तभी हमारा डेटा प्रिंट हो। तो देखिए यहाँ पे हमने जब इसको कंपाइल किया तो देखिए 2 4 12 0 दे रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 4 12 0 यही 3 4 हैं जो हमारे 2 से और डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम फिल्टर कर पा रहे हैं डेटा को।
ठीक है। अब अगर हमें शॉर्टिंग को परफॉर्म करना है तो हम शॉर्टिंग भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, शॉर्टिंग अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो बहुत सिंपल है, आप केवल लिख दीजिए शॉर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर पा रहे हैं डेटा को। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, कंपैरेटर्स डॉट रिवर्स ऑर्डर लिख सकते हो यहाँ पे। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो डेटा है वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा डॉट रिवर्स ऑर्डर, तो आप देखिएगा, चेक करिए यहाँ पे जो डेटा है वो हमारा कैसा है। देखिए, ये पहला रिवर्स वाला यहाँ पे जो डेटा है, देखिए हाँ ये रिवर्स ऑर्डर में आया। अब जो पहले आया था वो हमारा कैसे आया था, वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आया था। अब इसमें क्या दे रहा है डेटा, अब इसमें क्या दे रहा है डेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कई सारे ऑपरेशन को एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ये भी लगा सकते हैं कि भाई आप शॉर्ट तो करो लेकिन जो हम बताएं, जैसे हम कह रहे हैं जो फिल्टर है उसको भी हम यूज करना चाहते हैं। फिल्टर इक्वल्स टू जो नंबर है, तो जो नंबर है वो टू से डिवाइड करो, और वो जो अगर टू से ना डिवाइड हो तब आप रिवर्स ऑर्डर में वो नंबर को प्रिंट करके दो। तो देखिए ये भी कर देगा हमारा ये। तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में वो नंबर आ रहा है जो टू से डिवाइड नहीं है। अगर टू से डिवाइड वाला चाहिए तो इक्वल्स टू लगा दो। तो लॉजिक्स हैं, आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने कई सारी चीजें देखी, और ये देखिए ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ रहा है। अब देखिए हम क्या देखने वाले हैं, अब हम रिड्यूस्ड फंक्शन को देखने वाले हैं। तो चलिए इसको सबको रिमूव करते हैं यहाँ से। तो अब हमने यहाँ पे एक इंट आर ले लिया है। देखिए जो रिड्यूस वाला है इसमें क्या होता है कि जो लास्ट में हमारा नंबर आता है उसको ही वो प्रिंट करके देता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है स्ट्रीम डॉट फिल्टर। अब देखिए हमने फिल्टर का यूज किया है यहाँ पे, और फिल्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि वही सेम एन मॉड टू इक्वल्स टू जीरो। अगर ऐसा है तो आप क्या करो, अगर ऐसा है तो आप क्या करो, रिड्यूस को परफॉर्म करो। और रिड्यूस के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक जीरो पास कर रहे हैं, और फिर हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, सम ब्रैकेट के अंदर सम कॉमा आई। तो अब हम देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इनको करना चाह रहे हैं कि सम प्लस आई हो जाए ना। ये हमारा प्रोग्राम जो है वो बन गया है। अब हम करते हैं सिस्टम नॉट आउट प्रिंट एलर्ट, और यहाँ पे हम रिजल्ट को प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब देख जैसे कि हमने बताया बिल्कुल लास्ट में जो आउटपुट आ रहा होगा वो आएगा। तो देख सकते हो आप, ओहो यार क्यों आ रही है सिस्टम नॉट आउट प्रिंट एलर्ट रिजल्ट, अच्छा कॉमा लगा दिया है मैंने। तो लास्ट में देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो यहाँ पे जो नॉट डिवाइडेड बाई टू है तो 3 है। एक मिनट, एक काम करते हैं थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, तो जिससे कि हाँ बस ठीक है। चलो कंपाइल करो, और देखिए इसने 2 दिया है। तो यहाँ पे जो भी 2 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर को दे दिया इसने, खत्म काम। तो आखिरी में जो भी नंबर, अब जैसे यहाँ 4 लिया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा आंसर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे रिजल्ट 6 आ रहा है। तो रिड्यूस क्या है, जो लास्ट में नंबर है उसको देखने के लिए होता है। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कुछ और भी हैं, तो चलिए उनको भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है हमारे पास स्ट्रीम आइटरेट। तो देखिए अगर हम यहाँ पे मतलब हमें कुछ आइटरेशन परफॉर्म करना है तो हम स्ट्रीम डॉट आइटरेट का यूज कर सकते हैं। तो आइटरेट के अंदर हम क्या देंगे, जैसे कि हमने 1 से स्टार्ट करना है, अब हम चाहते हैं जो 1 से स्टार्ट हुआ है इसके अंदर हम i+2 करते जाएं। ठीक है, i+2 करते जाएं, और कब तक के करते जाएं, जब तक के हम एक मतलब मान लीजिए एक लिमिट लगा रहे हैं कि जब तक के हमारा जो वैल्यू है वो 20 तक के ना पहुंच जाए तब तक के आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते रहें। ठीक है, इस ऑपरेशन को क्या करते रहें, आइटरेट करते रहें। एंड देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको फिर कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक लिस्ट में कलेक्टर की मदद से उसके अंदर लेके आएंगे। तो कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, यहाँ पे हमने ये चीज कर ली। यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर ली, हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं एन को। तो देखिए यहाँ पे आप जैसे कि हम यहाँ पे हमने हमको आइटरेट भी करवाना पड़ेगा, बिकॉज आप जैसे कि देख पा रहे हो कि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो हमको किसको आइटरेट करवाना है, लिस्ट को आइटरेट करवाना है, और लिस्ट को आइटरेट करवाना है एन। सिस्टम कंपाइल करते हैं,
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसने आइटरेट करते हुए सारे नंबर्स जो हैं वो प्रिंट करवा दिए हैं। जो लिमिट हमने सेट करी थी मैक्सिमम 20 तक के ये जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं जनरेट फंक्शन पे। तो अब हम इसको जनरेट भी करवा सकते हैं बाय यूजिंग जनरेट स्ट्रीम जनरेट। तो यहाँ पे हम जनरेट के अंदर सप्लायर यूज होता है, तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया है और यहाँ पे हम देते हैं एक स्ट्रिंग को हम पास करते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ लिया कंप्यूटर शगुफी और इसको हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसमें स्ट्रिंग बनानी होगी जिसको रिमूव कर देते हैं। और इसमें भी हमने जो लिमिट है वो सेट कर दी है। इसमें जो हमने लिमिट है वो क्या सेट करी है, वो सेट करी है हमने यहाँ पे 20। तो ये कितने बार जनरेट करेगा, कितने बार इस चीज को स्ट्रिंग को जनरेट करेगा, 20 टाइम्स। तो आप देख सकते हो कंप्यूटर शगुफी ये 20 टाइम्स दे दिया है। तो इसने स्ट्रिंग का जो ये भी फंक्शन था, ये भी ऑपरेशन था, तो हमने इसको भी परफॉर्म करके देख लिया है। तो यहाँ पे सारे के सारे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। हमने एक एक प्रोग्राम कंपाइल करके भी आपको दिखा दिया है। ठीक है, एपीआई को भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड देन अब यहाँ पे हमारे पास आता है डिफॉल्ट मेथड, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड ये भी डिस्कस हो चुका है। चलिए अब हम आते हैं Base64 इनकोड एंड डिकोड मेथड पे। तो Base64 इनकोड डिकोड मेथड क्या है, इट इज यूज फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इसको किस लिए यूज करते हैं, इनक्रिप्शन के लिए, ठीक है, और डिक्रिप्शन के लिए। तो जब भी हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे डेटा जो है वो करप्ट ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इनकोड कर देते हैं उस डेटा को और फिर ट्रांसफर करते हैं। तो जावा के अंदर भी ये फीचर्स जो है अवेलेबल है कि हम डेटा को इनकोड कर पाते हैं और डिकोड कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो यहाँ क्या लिखा है, इज एन इनकोडिंग स्कीम दैट कन्वर्ट बाइनरी डेटा इंटू अ टेक्स्ट फॉर्मेट सो दैट इनकोडेड टेक्सुअल डेटा कैन बी इजली ट्रांसपोर्टेड ओवर अ नेटवर्क अनकरप्टेड एंड विदाउट एनी डेटा लॉस। और यहाँ पे लिखा हुआ था बेस इनकोडिंग मीन्स नो लाइन फीड्स आर एडेड टू द आउटपुट इज मैप्ड अ सेट ऑफ आउटपुट्स इन A to Z एंड A Z 0। चलिए इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखेंगे, चलिए इस चीज को समझ लेते हैं। ये माइन लिखा हुआ है, यहाँ पे गेट इनकोडर एक फंक्शन है, गेट डिकोडर एक फंक्शन है। गेट इनकोडर डिकोडर सिंपल टेक्स्ट को इनकोड डिकोड करता है। URL को अगर आपको इनकोड करना है, इनक्रिप्ट करना है, तो गेट URL इनकोडर यूज करोगे, डिकोडर जो है वो डिकोड कर देगा URL को। और माइन और ये वाला जो इनकोडर है और डिकोडर है, ये नेटवर्क के डेटा को इनकोड डिकोड करता है। चलिए बाय यूजिंग दिस फंक्शन हम इन सब चीजों को यूज करेंगे, इनकोड डिकोड, इनकोड टू स्ट्रिंग, डिकोड्स। तो ये सारी चीजें अभी हम एक एक करके सब चीजें देखने वाले हैं। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, बेस बेस बना लेते हैं, बस Base.java। तो यहाँ पे हम फटाफट इस मेथड को यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मेन क्लास इसके अंदर बना लेते हैं और फिर हम देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग को लिख रहे हैं और स्ट्रिंग के अंदर हमने एक मैसेज दिया है, दिस इज माई सीक्रेट मैसेज, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलिए खैर स्ट्रिंग, अब हमने एक और यहाँ पे मैसेज ले लिया है। ये हमारा जो है, देखिए ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे हम जो है डेटा को इनकोड करने वाले हैं। ठीक है, इनक्रिप्ट फॉर्म में डेटा जो है कैसे होगा, क्योंकि अब हमने लिखा Base64.getEncoder। अभी हमने आपको बताया कि गेट इनकोडर से आप क्या करते हो, टेक्स्ट को इनकोड करते हो, और क्योंकि ये टेक्स्ट कैसी है हमारी, स्ट्रिंग टाइप की है, और इसके अंदर जो भी मैसेज है हमारा वो कैसा होना है, वो कैसा हो जाएगा, बाइट टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हमने लिख दिया। आप देखिए हम इसको अगर प्रिंट करवा के देखें तो होगा क्या, इसको जब आप प्रिंट करवाओगे तो ये हमारा जो इनक्रिप्टेड मैसेज है इसमें था ENMSG। ठीक है, हाँ, तो ये जो मैसेज है ये हमारा कुछ है। अब हम इसको अगर हम दोबारा से चेंज करना चाहते हैं अपने डिक्रिप्टेड मैसेज में, तो बाइट में पहले तो हम इसको लाएंगे, बिकॉज क्या है कि जो डेटा है वो बाइट के फॉर्म, बाइनरी के फॉर्म में चेंज हुआ है। ठीक है, फिर हम क्या कह रहे हैं कि Base64 है हमारा, एंड देन गेट डिकोड। अब देखो डिकोडर का हम यूज करेंगे यहाँ पे डिकोड करने के लिए, और फिर यहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि डिकोडर क्या है। देखिए इनकोडर टू स्ट्रिंग था और डिकोडर में डिकोडर,
का ही यूज करेंगे सिंपल। और यहाँ पे हम मैसेज को कौन सा इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने वाले हैं, ये वाला, तो इसको हम सिंपली इसके अंदर क्या करेंगे, पास कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, ई मैसेज को हमने ये पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो वेरिएबल है इसको हमने पास कर दिया। पास करने के बाद क्या होगा, इसको हम, क्योंकि ये बाइट में अभी चेंज हुआ, अब हम इसको स्ट्रिंग में चेंज करेंगे। तो स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए डीई एक मैसेज ले लिया है हमने, न्यू स्ट्रिंग में लेके आते हैं इसको। और हमारा कौन सा मैसेज होगा जो डीएम डिक्रिप्ट मैसेज है, उसको हमें चेंज करना है स्ट्रिंग के अंदर। और फिर हम करंट करवाते हैं डिक्रिप्टेड मैसेज, डिक्रिप्टेड मैसेज, और इसके अंदर हम लिखते हैं DECMSG। चलिए इसको प्रिंट करवा के देखिए, नहीं DESG है। चलो नाउ इसको हमने कंपाइल किया, तो देखिए इनक्रिप्टेड मैसेज जो है वो हमारा ये आ रहा है, डिक्रिप्टेड मैसेज हमारा ये आ रहा है। तो कुछ इस तरह से देखिए हमने क्या करा, टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया और डिक्रिप्ट किया। अब हम कह रहे हैं कि यूआरएल को हम इनक्रिप्ट करते हैं डिक्रिप्ट करते हैं। चलिए यूआरएल को हम कैसे इनक्रिप्ट करेंगे डिक्रिप्ट करेंगे ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ हम लिख देते हैं http://www.google.com। ठीक, तो ये हमने एक मैसेज ले लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी हमें कुछ नहीं चेंज करना है, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे यूआरएल वाला यूज करेंगे। तो यूआरएल लगा देते हैं, ओके, ये सारा सेम रहेगा। यहाँ पे भी यूआरएल लगा देते हैं, बस इतना सा चेंज करना था, बाकी सेम रहेगा। तो देखिए अब हम अगर चेक करें तो यहाँ देखिए क्या लिख के आ रहा है। पहले तो इसने क्या करा, इनक्रिप्ट करा मैसेज को। जब इनक्रिप्ट हो जाएगा तो हैकर जो है इसको जल्दी जो है वो नहीं एक्सेस कर सकता। मतलब अगर मैसेज मिल भी जाएगा तो क्या मैसेज है उसको क्या पता। तो इसलिए हम यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, डेटा की भी, डेटा सिक्योरिटी की भी क्या फैसिलिटी दे रहा है हमारा जावा न्यू फीचर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हमने Base64 यूजिंग गेट इनकोडर डिकोडर यूआरएल का भी यूज करके देखा, ये भी यूज करके देखा। इस तरह से आप डेटा माइन का भी यूज कर सकते हो, गेट माइन का भी यूज कर सकते हो। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फॉर ईच इन जावा। तो फॉर ईच अभी तक के हमने स्ट्रीम एपीआई के अंदर इसको देखा है, फॉर ईच को स्ट्रीम एआई के अंदर हमने फॉर ईच वेट स्ट्रीम एपीआई के अंदर हमने फॉर ईच मेथड को देखा। तो फॉर ईच मेथड क्या है, यूटिलिटी है, फंक्शन विच इज यूज टू आइटरेट द जावा कलेक्शन लिस्ट सेट मैप। तो इन सबको आइटरेट करवाने के काम आता है। डिफॉल्ट वॉइड फॉर ईच, आप देखिए डिफॉल्ट इसका क्या है, फॉर ईच का फॉर ईच साथ में लिखना, ठीक है, ये थोड़ा अलग अलग हो गया है, इसको हम अभी हम सही कर देंगे। कंज्यूमर टी ऑब्जेक्ट, तो कंज्यूमर इज अ फंक्शनल इंटरफेस विच कंटेन्स अ मेथड्स नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉइड एक्सेप्ट टी टी, तो ये हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। वैसे तो इसका एग्जाम्पल अभी हम करवा चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल। चलिए इस एग्जाम्पल को हम यहीं पे ही समझा देते हैं। ऐसे लिखा है इम्पोर्ट जावा यूटिल एरे, इम्पोर्ट जावा यूटिल लिस्ट। तो ये सारी जो हमारी यूटिल का जो पैकेज है उसमें ही सारे आपको जितने भी लाइब्रेरीज हैं वो सब मिल जाएंगे। देखिए एरे जो है वो इसके लिए है, लिस्ट इसके लिए है, फंक्शनल कंज्यूमर क्या है वो पूरा इसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक लिस्ट लिया है, एरे लिया है, जैसे कि अभी तक के हम स्ट्रीम एपीआई में लेते आ रहे थे। अब हमने क्या करा, कंज्यूमर, एक कंज्यूमर जो है हमने एक फंक्शन लिया है कंज्यूमर, और इसमें इंटीजर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने बनाया है, कंज्यूमर ऑब्जेक्ट को बनाया है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, वॉइड पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, एक हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है, ये सिंटैक्स है, ठीक है। किसका सिंटैक्स है, कंज्यूमर का। तो ये कंज्यूमर के सिंटैक्स से हमने क्या करा है, इस इंटीजर को एक्सेस किया है, और फिर हमने लिस्ट डॉट फॉर ईच ऑब्जेक्ट को आइटरेट करवाया है। तो कुछ इस तरह से हमने फॉर ईच का यूज किया, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हो फॉर ईच के बीच में कोई गैप नहीं, और ईच का ई जो है वो क्या पैटर्न है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। इसके नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो जावा के बचे हुए फीचर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में बेटा। चलो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।